वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आज पंजाब के कोने कोने से आए हुए मेरे भाइयों बहनों, माताओं बुजुर्गों बच्चों, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम, सत श्री अकाल। मैं देख रहा हूं दूर दूर तक, जहां भी नजर जा रही है, इतने लोग आज आए हुए हैं। पूरे पंजाब से लोग आए हुए हैं, इतनी भारी संख्या में लोग आए हुए हैं। आप सब लोगों को मैं सल्यूट करता हूं, आप सब लोगों को मैं धन्यवाद करता हूं कि आप इतनी दूर से चल के इतना समय निकाल के आए, उसके लिए बहुत 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 शुक्रिया। आज मैं आपके बीच में पंजाब के किसानों को सल्यूट करने के लिए आया हूं दिल्ली से। जिस तरह से केंद्र सरकार ने 3 काले कानून पास किए, मोदी सरकार ने 3 काले कानून पास किए, सबसे पहले उसके खिलाफ विरोध में आवाज निकली, पंजाब से आवाज निकली। सबसे पहले पंजाब के किसानों ने उन 3 कानूनों की खिलाफत करनी चालू करी, पंजाब के अंदर सबसे पहले आंदोलन उठा और वो आंदोलन दिल्ली पहुंचा। जो आग पंजाब के अंदर आप लोगों ने लगाई, आज वो पूरे देश के अंदर आग लग रही है। सारे देश के किसान आज खड़े हो गए आप लोगों के साथ। आज मैं पंजाब के किसानों को इसीलिए सल्यूट करने आया हूं। पंजाब वीरों की धरती है, ये आज नहीं सदियों से जब जब अन्याय हुआ देश के ऊपर या पंजाब के ऊपर, पंजाब के लोगों ने उसमें लीडरशिप ली है। और इस बार भी 3 कानूनों के खिलाफ पंजाब के किसानों ने लीडरशिप ली है। मैं सल्यूट करने आया हूं पंजाब के लोगों को कि अब केवल पंजाब के किसानों का आंदोलन नहीं बना, अब ये हर आदमी का, हर औरत का, हर बच्चे का आंदोलन बन गया है। दिल्ली आपके साथ है, गुजरात आपके साथ है। थोड़े दिन पहले मेरी ममता बनर्जी से बात हुई, उन्होंने मेरे को कहा कि वेस्ट बंगाल के सारे किसान आपके साथ हैं। तो ये लोग जो बोलते हैं कि ये आंदोलन तो केवल 1-2 राज्यों का आंदोलन है, ये 1-2 राज्यों का आंदोलन नहीं है, ये पूरे देश के किसानों का आंदोलन है। और ये केवल देश के किसानों का आंदोलन नहीं है, ये हर भारतवासी का आंदोलन है, ये हर देशभक्त का आंदोलन है, इस देश के रहने वाले बच्चे बच्चे का आंदोलन है। इसके लिए मैं आज पंजाब के लोगों का धन्यवाद करने आया हूं कि आप लोगों ने इसको शुरू किया। शुरू से मैं इस आंदोलन में मैंने केवल समर्थन नहीं किया, इस आंदोलन का हिस्सा बन के मैंने इस आंदोलन के अंदर भाग लिया। और आज उसको मेरे को हर जाना, ये हमें परेशान कर रही है, मोदी सरकार खूब परेशान कर रही है। अभी ये हमारी सारी पावर छीनने का कानून लेके आए हैं संसद के अंदर। जब पंजाब से किसान दिल्ली की तरफ चले नवंबर के महीने में, तो हरियाणा के अंदर हर शहर में इनको रोका गया, इनके ऊपर पानी की बौछारें छोड़ी गई, बैरिकेड लगाए गए, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, हर जगह इनको रोकने की कोशिश की गई। लेकिन पंजाब के किसान कहां मानने वाले हैं, वो चलते गए चलते गए चलते गए, सारे अड़चन पार करते हुए, इनके बैरिकेड तोड़ते हुए, पानी की बौछारें पार करते हुए पंजाब के किसान दिल्ली के बॉर्डर पे पहुंच गए। जब किसान दिल्ली के बॉर्डर पे पहुंच गए, तो दोस्तों मोदी सरकार ने एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा, उन्होंने बहुत बड़ी प्लानिंग करी।
मोदी सरकार ने प्लानिंग करी कि इन किसानों को दिल्ली आने देते हैं, जब ये दिल्ली आ जाएंगे तो 9 स्टेडियम, 9 बड़े बड़े ग्राउंड इन्होंने प्लानिंग करी मोदी सरकार ने, उनको जेल बना देते हैं और उन जेलों के अंदर पंजाब के सारे किसानों को डाल देंगे, वहां ये कई महीनों तक पड़े रहेंगे, इनका आंदोलन खत्म हो जाएगा। दोस्तों अपनी किस्मत अच्छी थी, उन स्टेडियम को जेल बनाने की पावर मोदी सरकार को नहीं थी, वो हमारी सरकार को थी। ये किस्मत थी, ऊपर वाले की कृपा है, वाहेगुरु जी की कृपा है कि स्टेडियम को जेल बनाने की पावर मोदी सरकार की नहीं थी। तो मोदी सरकार ने मेरे पास फाइल भेजी कि ये 9 स्टेडियम जेल बनाने हैं। मैंने पूछा क्यों बनाने हैं, बोले ये जो किसान आ रहे हैं इनको जेल में डालना है। तो दोस्तों हमने कहा हम नहीं जेल नहीं बनने देंगे। इन्होंने खूब फोन करे मेरे को, इन्होंने खूब दबाव डाला खूब प्रेशर डाला, लेकिन हम नहीं झुके। अभी जर्नैल सिंह ने पढ़ के बताया, मैंने फाइल पे लिख दिया किसानों का आंदोलन अहिंसक है, इनकी मांगे जायज हैं, मोदी सरकार तुरंत इनकी मांगे मान ले और हम इनको जेल नहीं बनने देंगे। दिल्ली पुलिस की अर्जी हम लोगों ने खारिज कर दी, हम लोगों ने कैंसिल कर दी। ये इतना गुस्सा हो गए मेरे से। मोदी सरकार खूब नाराज हो गई और उसी का नतीजा है पिछले हफ्ते संसद के अंदर मोदी सरकार कानून लेके आई है कि दिल्ली के अंदर अब से सारी पावर केजरीवाल की नहीं होगी, दिल्ली के अंदर अब से सारी पावर मुख्यमंत्री की नहीं होगी, सारी पावर गवर्नर की होगी, एलजी की होगी, सारे निर्णय एलजी लेगा। वो हमारी सारी पावर छीनना चाहते हैं, उनको लगता है अगली बार जब जेल बनानी पड़ी तो फाइल फिर मुख्यमंत्री के पास नहीं एलजी के पास जाएगी। पर दोस्तों चिंता मत करना, आपका बड़ा भाई, आपका बेटा, मैं वहां पे लड़ रहा हूं, इन लोगों से 6 साल से लड़ रहा हूं, मेरे को पता है इनसे कैसे लड़ना है। इनको कभी किसी हालत में किसानों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेने देंगे जब तक दिल्ली में मैं हूं, आप किसी बात की चिंता मत करना। दोस्तों 70 साल से इस देश के अंदर किसानों के साथ अन्याय हो रहा है, किसानों के साथ ज्यादती हो रही है। 70 साल से इतनी पार्टियां आई लेकिन किसानों को धोखे के अलावा कुछ नहीं मिला। कभी कोई पार्टी आती है कहती है हम नौकरी देंगे, कोई नौकरी नहीं देता। कभी कोई पार्टी आती है कहती है हम कर्जा माफ करेंगे, कोई कर्जा माफ नहीं करता। लेकिन दोस्तों ये तीनों कानून जो हैं, ये तीनों कानून ऐसे हैं कि अगर ये लागू हो गए तो किसानों का कुछ नहीं बचेगा, ना उनकी जमीन बचेगी ना उनकी खेती बचेगी। ये खेती उठा के बड़े बड़े पूंजीपतियों को, इनके जो दोस्त है 3-4 दोस्त है उनको उठाने की पूरी तरह इन्होंने तैयारी कर रखी है। आज से 4 साल पहले जब पंजाब में चुनाव हुआ था तो कैप्टन साहब ने भी बड़े बड़े वादे किए थे कि नहीं किए थे। कैप्टन साहब ने कहा था स्मार्टफोन दूंगा, जिसको स्मार्टफोन मिल गया जरा हाथ खड़ा करके दिखा दो, अपना फोन दिखा दो। कैप्टन साहब ने जिसको स्मार्टफोन दिया है किसी को नहीं मिला। कैप्टन साहब ने कहा था किसानों का लोन माफ करूंगा, कर्जा माफ करूंगा, किस किस का कर्जा माफ हो गया जरा हाथ खड़ा करके बता दो। कैप्टन साहब ने कहा था बुढ़ापा पेंशन 2500 रुपए महीना करूंगा, जितने बुजुर्ग बैठे हैं जिसके 2500 रुपए हो गए जरा हाथ खड़े करके बता दो। कैप्टन साहब ने कहा था हर घर में नौकरी दूंगा, किस किस को नौकरी मिल गई जरा हाथ खड़े करके बता दो। आज ये मैं कार्ड लेके आया हूं, ये कैप्टन साहब ने ये कार्ड बांटे थे, नहीं बांटे थे, इस पे लिखा है बेरोजगारी भत्ता कार्ड।
बेरोजगारी भत्ता कार्ड, इसमें लिखा है कैप्टन ने सौ चुकी हर घर एक नौकरी पक्की, कैप्टन ने सौ चुकी हर घर एक नौकरी पक्की। किस किस को नौकरी मिल गई दोस्तों? ये कार्ड कैप्टन साहब ने, ये कार्ड 20 लाख लोगों के घर में बांटे थे, 20 लाख नौजवानों को ये कार्ड दिया था। कैप्टन साहब ने कहा था मेरे को वोट दे दो, मेरी सरकार बन गई तो मैं नौकरी दूंगा, ये कार्ड ले आना, कार्ड दिखा के मैं नौकरी दे दूंगा। आज पंजाब के युवा उनके घर के चक्कर काट रहे हैं, एक आदमी को नौकरी नहीं मिली। मेरी आप लोगों से निवेदन है, ये कार्ड फेंकना मत, ये कार्ड रखे रखना, रोज सवेरे उठ के इस कार्ड को निकाल के देखना, ये आपको याद दिलाएगा कि आज से 4 साल पहले एक आदमी आपको धोखा देके वोट देके चला गया। ये कार्ड आपको याद दिलाएगा कि किस तरह से कैप्टन साहब ने आपको झूठ बोल के वोट लिया। ये कार्ड फेंकना मत, अगले 1 साल तक रोज सवेरे उठ के ये कार्ड देखना। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर कोई आपको धोखा देता है तो आप क्या करते हो? उससे बदला लेते हैं। कैप्टन साहब ने आपको धोखा दिया, 1 साल के बाद उनसे बदला लेना है नहीं लेना है? लेना है नहीं लेना? हाथ खड़ा करके बताओ जरा। जिसने धोखा दिया, पूरे पंजाब को धोखा दिया, ना किसी को नौकरी दी, ना किसी को रोजगार दिया, ना किसी का लोन माफ किया, ना किसी की बुढ़ापा पेंशन लगाई। अभी 2 दिन पहले एक टीवी चैनल, क्या नाम है आप? एबीपी, एबीपी गंगा, एबीपी चैनल वालों ने 2 दिन पहले एक सर्वे किया था। देखा था सर्वे आया था? क्या था सर्वे में? 2 दिन पहले उन्होंने सर्वे किया था कि आज अगर चुनाव हो तो पंजाब में किसकी सरकार बनेगी। सर्वे में आया है कि पंजाब के लोग कह रहे हैं कि आज अगर चुनाव हो तो पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। मैं नहीं कह रहा, सर्वे में आया है, एबीपी चैनल वालों ने सर्वे किया है। सर्वे के अंदर निकल के आया है कि आम आदमी पार्टी नंबर 1 पार्टी है, आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। तो दोस्तों ये कार्ड संभाल के रखना, 1 साल के बाद जब आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, जिन जिन लोगों को कैप्टन ने ये कार्ड दिया था उनको आम आदमी पार्टी नौकरी देगी। जिन जिन लोगों को कैप्टन ने ये कार्ड दिया था, जब तक नौकरी नहीं मिल जाती तब तक आम आदमी पार्टी की सरकार आपको बेरोजगारी भत्ता देगी। कैप्टन साहब ने जितने वादे करे एक भी वादा पूरा नहीं किया। दिल्ली के अंदर हम भी चुनाव लड़े थे, दिल्ली के अंदर चुनाव के पहले हमने भी वादे करे थे, भाई साहब एक एक वादा पूरा किया, एक एक वादा पूरा किया। चुनाव दो, दिल्ली में 24 घंटे बिजली आती है, कोई पावर कट नहीं लगता, 24 घंटे बिजली आती है। और बिजली का बिल कितना आता है ये मैं देख रहा हूं, कई लोगों को यकीन नहीं हो रहा, मैं देख रहा हूं कई लोगों के चेहरे फक पड़े हैं अभी, उनको समझ नहीं आ रहा है ऐसे कैसे हो सकता है, बिजली का बिल जीरो कैसे आ सकता है। भाई साहब दिल्ली में 73% लोगों का बिजली का बिल जीरो आता है, उनके घर बिजली का बिल नहीं आता, उनके घर बिजली का बिल नहीं आता, 24 घंटे बिजली आती है, चमत्कार है ये। और पंजाब के अंदर इतना बिजली का बिल आता है, तो दिल्ली के अंदर अगर 24 घंटे बिजली आती है, दिल्ली के अंदर जीरो बिजली का बिल आता है, पंजाब में बिजली का बिल जीरो होना चाहिए नहीं होना चाहिए? ऐसे नहीं होगा, जोर से बोलना पड़ेगा, हाथ खड़े करके बताओ बिजली का बिल जीरो होना चाहिए नहीं होना चाहिए? दिल्ली में हो सकता है तो पंजाब में क्यों नहीं हो सकता?
कौन करेगा, कौन सी पार्टी करेगी, कौन सी पार्टी करेगी। चुनाव के पहले मैंने वादा किया था अपने लोगों को दिल्ली में कि मेरे को वोट दे दो, मैं स्कूल अच्छे कर दूंगा। आज दिल्ली के सरकारी स्कूल इतने शानदार हो गए, इतने शानदार हो गए, हमारे गरीबों के बच्चे इतने शानदार स्कूलों में पढ़ते हैं। आज हमारे गरीबों के बच्चे डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, एडवोकेट बन रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, पंजाब के स्कूल अच्छे होने चाहिए नहीं होने चाहिए? कौन सी पार्टी करेगी, कौन सी पार्टी करेगी? चुनाव के पहले मैंने दिल्ली के लोगों को कहा था, हमको वोट दे दो, हम अस्पताल अच्छे कर देंगे। आज दिल्ली के अस्पताल इतने शानदार हैं, भाई साहब अगर 15 लाख रुपए का भी ऑपरेशन हो, दिल्ली के अस्पताल में फ्री में होता है, एक पैसा नहीं लगता, सारी दवाइयां मुफ्त, सारे टेस्ट मुफ्त, सारा इलाज मुफ्त, सारे डॉक्टर मुफ्त, और इतने शानदार सरकारी अस्पताल हैं। पंजाब में होना चाहिए नहीं होना चाहिए? कौन सी पार्टी करेगी? तो दोस्तों, एक साल है, एक साल के अंदर अब अपने को मिलके हम सब लोग गांव गांव के अंदर, हर पिंड के अंदर, हर पिंड में जाएंगे, हर मोहल्ले में जाएंगे, हर गली में जाएंगे, और आपके साथ मिलके एक नए पंजाब का सपना तैयार करेंगे। अपने को नया पंजाब बनाना है, अपने को खुशहाल पंजाब बनाना है, अपने को एक ऐसा पंजाब बनाना है जिसमें हर किसान खुश हो, हर मजदूर खुश हो, जिसमें हर व्यापारी खुश हो, हर आड़ती खुश हो, जिसमें हर आदमी, हर औरत, हर बच्चा खुश हो, जिसमें हर एक को अच्छी शिक्षा मिले, जिसमें हर आदमी को अच्छा इलाज मिले, जिसमें पैसे की तंगी की वजह से किसी की स्कूल बंद नहीं होनी चाहिए, किसी को अस्पताल इलाज नहीं बंद होना चाहिए। तो हम सब लोगों को मिलकर एक ऐसा पंजाब बनाना है, अगले एक साल में हम सब मिलकर एक ऐसे पंजाब का सपना तैयार करेंगे, उसके बाद आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी और आपके साथ मिलकर पंजाब को एक नया पंजाब बनाएंगे, खुशहाल पंजाब बनाएंगे। एक बार फिर से मैं पंजाब के किसानों को कहना चाहता हूं, पंजाब के लोगों को कहना चाहता हूं, हम तन मन धन पूरी तरह से, मैं, मेरी पार्टी, मेरी सरकार किसानों के साथ है, और जब तक ये तीनों कानून मोदी सरकार वापस नहीं लेती, हम चैन से नहीं बैठेंगे। बोले सोनिहाल। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब, एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज प्लीज क्लिक द बेल आइकन।